वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं आप जी दे सन्मुख उस छीणी गुरु दी सिंघणी दी बहादरी दी दास्तान सांझी कर रहा हां, जिस दी बाबत गुरु नानक साहिब जी ने कहा सी, सो क्यों मंदा अखिए जित जमे राजान। सात आठ महीनों के दरमियान लम्मा समा आनंदपुर साहिब नूं पहाड़ी राजे अते मुगलिया हुकूमत दे शपाइयां ने घेरा पा रखिया। इन्ने लम्मे घेरे दौरान किले विच कुछ खाण वास्ते भी ना रहा अते भुख प्यास तो तंग आके नीला दल प्रशादी हाथी वर्गे महान जानवर मौत दे घाट उतर गए। बस दिन बाद दिन अनेकां सिंह भी भुख तो तंग आके शहादत दा जाम पीण लगे। प्रसिद्ध विद्वानां ने लिखिया है कि कुछ सिंघां ने गुरु गोबिंद सिंह जी तो मुख पवा के आनंदपुरी नूं छड्डन दा फैसला करके अपने घरां वल नूं रवानगी कर ली। बस फिर की सी जदों रस्ते दा लमीरा पंध तय करके घरां अंदर दाखल होए तां घर दीआं सवाणियां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे हाल अते परिवार बारे पुछिया तां अगों गुरु जी दा साथ छड के आए सिखां ने धौण नीवी कर ली। इसे समय दौरान पिंड चबाल जिला तरन तारण दी रहण वाली गुरु दी सिंघणी नूं जदों इस घटना बारे पता लगा तां अग बबोली हुई। पिंडां विच इकट्ठ दा ऐलान करके माता भाग कौर ने कहा के कोई भी इन्हां बेमुख होए सिखां नाल राबता ना रखे। ए अणख गवा के अपने मत्थे उपर कलंक लगा के आए हन। हुण ए घरां विच बैठ के औरतां वाले काम करनगे अते असीं रण मैदाने विच जाके दुश्मन दीआं फौजां दा टाकरा करांगे। माता भाग कौर दे कहे हुए बोलां ने एक वार नवा मोड़ा लै आंदा। हन तां अखीर गुरु दशमेश जी दे सिंघ। माता भाग कौर दे कहे हुए तलखी भरे बोल सीने विच अग्यार वांग लगे। हत्थां विच तिखियां शमशीरां अते मोढ़ियां उपर पाईआं हुईआं ढालां एक वार नवा ही सरूर दे रहीआं सन। सिंघां ने अपनी भुल स्वीकार करके दशमेश पातशाह जी दे पास जाण दी ठान लई अते मालवे दी धरती दे मशहूर पिंड रामेआणे पहुंच के सतगुरां नूं नमस्कार कीता। गुरदेव ने अपना मुखड़ा दूजे पासे करके सिखां तों दूरी बना लई। गुरु तों बेमुख होए जथे दे मोहरी भाई महां सिंघ ने सिखां नूं समझाया, कहण लगे असीं भुल कर बैठे हाँ पर हुण गुरदेव पातशाह जी तों भुल बख्शाउण वास्ते महान कुरबानी भी करनी पवेगी। आखिर वजीद खान जो वड्डी तादाद फौज लैके मंजिलां तय करदा आ रहा सी, पर उधर दशमेश पातशाह जी ने दुश्मन का टाकरा करन वास्ते खदराणे की ढाब कोल मोर्चे तैयार किए हुए सन। सतगुरां दा जेठा जरनैल रह चुका सरदार महा सिंह भी मौके दी भाल विच सी। आखिर उह समां भी नेड़े आ गया जदों दुश्मन अगे वल नूं वधिया तां सरदार महा सिंह ने अपने साथी सिखां नूं नाल लै के दुश्मन दी फौज उपर हल्ला बोल दिता। गुरु दी खुशी प्राप्त करने आए सिखां ने जाना हील के दुश्मन की फौज नाल मुकाबला कीता। वजीर खान की फौज पिड़ छड़ के मैदान विच्चों नस चुकी सी अते गुरु के सिंघां विच्चों भाई महा सिंह जी आखिरी साहां उपर सहक रहे सन। जदों दशमेश पातशाह जी की नज़र भाई महा सिंह उपर पई तां उस समय दशमेश पातशाह जी ने भाई महा सिंह नूं अपनी गोद विच लिया अते कहन लगे, दस मेरे पुत्रा आखरी की मंग है,
ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਖੱਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਗੇ। ਹੱਥ ਵਿਚਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੜਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।